गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो एडमिशन और कन्फेशन को लेके है कि एडमिशन कब माना जाता है और कन्फेशन कब माना जाता है। देखिए, इनको जो है डिफाइन एविडेंस एक्ट 1872 में किया हुआ है, मीन्स जो एडमिशन है उसको सेक्शन 17 में बताया हुआ है और जो कन्फेशन है उसके बारे में जो चर्चा की गई है सेक्शन 24 से की गई है। अब एडमिशन क्या होता है, दोनों लैंग्वेज में समझेंगे कि एडमिशन की डेफिनेशन क्या है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में एडमिशन को बताया हुआ है, मीन्स एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है। सबसे पहले एडमिशन एक स्टेटमेंट है, किस टाइप में, तीन टाइप में, या तो ओरल, या डॉक्यूमेंट्री, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, जो रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के बारे में इंटरफेरेंस सजेस्ट करता है। ठीक है, जो एनी ऑफ द पर्सन के बारे में या सर्कमस्टेंसेस के बारे में जो हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड है। ठीक है, ये है इंग्लिश में। अब हिंदी में बात करते हैं, जो स्वीकृति है एक कथन है, जो कि कौन कौन से कथन हो सकते हैं, या तो मौखिक हो सकते हैं, दस्तावेजी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकते हैं, जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करते हैं। मीन्स जो आगे व्यक्तियों के द्वारा, जो कई पार्टीज हैं उनमें से किन्हीं पक्षकारों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा या परिस्थितियों में किया गया है, जो आगे एतस्मिन पश्चात बताई हुई है। अब यहाँ पे जो एतस्मिन पश्चात वर्णित जो शब्द है उसका मीन्स है कि जो आगे बताई हुई है। आगे मीन्स सेक्शन 18, 19 और 20 में जो एडमिशन बताए हुए हैं कि कौन कौन सी पार्टीज कर सकती है वो बताया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 17 की डेफिनेशन है। अब आती है कन्फेशन के बारे में। देखिए, कन्फेशन को एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन के रूप में कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो कन्फेशन होता क्या है, संस्वीकृति वर्ड है क्या। संस्वीकृति वर्ड है कि जब एक्यूज्ड के ऊपर, किसी या पर्सन के ऊपर कोई चार्ज लगाए जाते हैं, उन चार्जेस को वो एक्सेप्ट करता है कि यही मैंने अपराध किया। मीन्स एक्स के ऊपर 302, 307 या 309 का कोई चार्जेस लगाए हुए हैं, तो वो एक्सेप्ट करता है कि यस, ये ऑफेंस मैंने किया है। तो मतलब वो कन्फेस कर रहा है कि मैंने, मेरे द्वारा ये अपराध किया गया है। ठीक है, ये होता है एडमिशन और कन्फेशन। अब आते हैं एडमिशन के टाइप और कन्फेशन के टाइप। एडमिशन जो होती है तीन टाइप की होती है। ठीक है, एक तो फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है, और एक होती है बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट हिंदी में ये औपचारिक है, ये अनौपचारिक है। ठीक है, और ये है आचरण के द्वारा। मतलब जो एडमिशन है वो तीन टाइप से हो सकती है। देन कन्फेशन पे आते हैं। कन्फेशन टू टाइप से होता है। एक तो होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, अब समझेंगे कि जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिकेतर, न्यायिक संस्वीकृति, और इसको बोलते हैं न्यायिकेतर। ठीक है, मतलब एक जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है कि जब कोर्ट, मजिस्ट्रेट या जजेस के सामने कोई एक्यूज्ड अपना जुर्म स्वीकार करता है तो वो क्या होता है, जुडिशियल कन्फेशन होता है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स जब कोई पर्सन कोर्ट के बाहर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में करता है तो वो होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल, मीन्स न्यायिकेतर कन्फेशन। अब बात आती है कि एडमिशन में क्या डिफरेंस है और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, मोटे मोटे इनमें ये डिफरेंस है कि जो एडमिशन होता है वो हमेशा सिविल मैटर में किया जाता है, मीन्स सिविल मैटर में किया जाता है, और जो कन्फेशन होता है वो क्रिमिनल मैटर में किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये होता है कि जो एडमिशन है उसमें कभी भी कन्फेशन इंक्लूड नहीं होता। एडमिशन में कभी भी संस्वीकृति इंक्लूड नहीं होती, बट कन्फेशन में क्या होता है, जो एडमिशन होता है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दो ये डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस आता है कि जो कन्फेशन, जो एडमिशन है वो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, मींस पार्टीज के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जा सकता है और किसके एजेंट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, बट जो कन्फेशन होता है, कन्फेशन ओनली एंड ओनली एक्यूज्ड के द्वारा किया जाता है, अपना जुर्म स्वीकार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एडमिशन किसी के द्वारा भी किया जा सकता है और कन्फेशन जो होता है वो ओनली एक्यूज्ड के द्वारा किया जाता है। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, ए ने बी को
डुबो कर मार दिया, ठीक है, ए ने बी को डुबो कर मार दिया। अब ए ये कन्फेस करता है कि उसी ने बी को डुबोया था, मीन्स पानी में ए ने ही बी को डुबाया था, तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, ठीक है। अब कोर्ट में आके ए कहता है कि ए और बी दोनों क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, बट वहां पे सी आया, उसने बी को डुबोकर मार दिया। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ओनली एडमिशन कर रहा है कि उसने वो चीज देखी थी जब बी को डुबोकर मार दिया था। ये होता है एडमिशन, मीन्स कि जब कोई पर्सन अपना जुर्म स्वीकार करता है तब क्या होता है, कन्फेशन होता है, और एडमिशन किसी भी पार्ट मतलब किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।